बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी है 5वीं, आंकड़ों का प्रबंधन। कि इसकी जो एक वीडियो है वो अपने पहले कर चुके हैं, तो जो बीच की जो क्वेश्चन रह गए वो देख लो अपने करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार दे रखा है और इसको क्या करना है, बारंबारता सारणी बनानी है, फिर इसका क्या करना है, आलेख बनाना है। तो मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, सारणी कैसे बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए पहले देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, W G V M इतनी चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो G V M W, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको क्या करना है, काउंट करना है कि W कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 पर कार जो W है वो कितनी बार हैं, 27 बार हैं। M देखो कितनी बार हैं, इसी तरह M काउंट करने हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 M कितनी बार हैं, 15 बार हैं। B देखो 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 बार है B। अब देखो G कितनी बार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जी है। फिर इनको जैसे 1, 2, 3, 4 और जो पांचवी लाइन है वो क्या करनी है, इसके ऊपर ऐसे ये 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, 11, 12 ये 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10, 15 हो गए। इसी तरह 27 को लिख देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 इस प्रकार लिख दिया। अब क्या बनाना है, अपने को एक आलेख बनाना है। इस प्रकार देखो आपकी वो बन गई सारणी। अब एक एक्स अक्ष पर ले लो, एक को वाई अक्ष पर ले लो। ये वाली अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष है, और वो वाली कौन सी है, वाई है। तो इन पर यदि आप ले रहे हो तो एक एक छोड़ के ले लो, चाहे सीधे ले लो। जैसे एक एक छोड़ के ले लोगे तो जी बी, यहाँ पे एम, और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू। इधर संख्याएं लेनी है, हाईएस्ट कितनी है, 27 है। तो अपने यहाँ पे जैसे अभी कम आ रहे हैं, तो आप दो दो से भी लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही आ रहे हैं। तो आप जैसे 3-3 से ले लो कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 इस प्रकार ले लिए। अब देखो जी है 12 पर है, जो जी है ये कितने पर है, 12 पर है। इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया, जी 12 पर है। अब देखो डिनोट कर दिया, अब यहाँ से आप क्या करोगे, सीधी रेखा खींचोगे और यहाँ से ऐसे इसको मिला दोगे स्केल की सहायता से, ठीक है। उसके बाद देखो बी, बी कितने पर है, 5 पर है। तो 3 और 6 के बीच में 3 हो गए, तो इससे 2-3 रेखाएं नीचे तक आ गया जी। फिर ऐसे बी मिला दोगे, ठीक है। फिर क्या आ गया, एम, एम कितने पर है, देखो 15 पर है। तो एम की सीध में क्या करो, 15 पर चलो एक रेखा खींच के, और इधर से भी खींच लो और इधर से भी खींच लो। इस प्रकार आपको सीधी रेखा से आलेख बनाना है जो सभी को आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो सेम क्वेश्चन है तीसरा दे रखा है, क्या करना है आपको, आयत चित्र बनाना है। पहले इसका मिलान चिन्ह बनाकर, बार बार था सारणी बनाकर इसका चित्र बनाना है। तो इसकी जो सारणी कह रहा है वो कैसे कह रहा है, 800 से 810, फिर 810 से 820, इसको इस प्रकार लिखोगे, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 50 से फिर 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से ऊपर देखो है क्या, 98 है, तो 890 से 900 इस प्रकार करनी है। इसमें गिनना है, अब क्या गिनना है कि 800 से 810 के अंदर कितनी यहाँ पे संख्याएं हैं। 810 को नहीं गिनना, उससे छोटी 9 तक की गिननी है। इसमें कितनी है, जितनी भी संख्याएं होगी 5, 6, 7 यहाँ पे,
इसी तरह इनके बीच की इनके बीच की सारी गिननी है, फिर उसी तरह एक दो रेखाएं खींचनी है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। यहाँ पे जैसे लिखोगे आप इनको, एक पहले पर लिख लोगे 800 से 810, एक्स अक्ष पर क्या लिख लोगे 800 से 810, दूसरे पर लिख लोगे 810 से 820, इसी तरह यहाँ पे लिख लोगे 820 से 830। तो इस प्रकार इनको लिखते जाओगे और ऊपर जो अंक आएंगे उनको लिखते, और ऐसे करके आपको आय चित्र बनाते जाना है, जहाँ यहाँ पे वो ऊपर नीचे मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार है ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखो 5.2 का तीसरा क्वेश्चन, इसमें अपने को क्या करना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट का क्या होता है, अपने समझ चुके हैं, अपने को बनाना है। अब जिस जब इस प्रकार दिए हो, संख्या दे रखी हो, और अपने को फिर क्या ज्ञात करने होते हैं, कोण ज्ञात करने होते हैं। तो कोण ज्ञात करते हैं तो देखो सबसे पहले इनका योग करते हैं। योग दिया है, ना दिया होता तो इन सभी का योग करते, योग कर लिया 36। अब देखो पहले नीली का ज्ञात करना है तो 18 बटा में योग 36 गुणा में वर्त के सभी कोणों का योग कितना होता है 360, इससे भाग दिया 10, कितना आ गया 10 से गुणा करोगे 180 डिग्री। इसी तरह हरे का ज्ञात करोगे तो क्या आ गया 9 बटा में 36 गुणा में 360, भाग दिया 10, कितने डिग्री कोण आ गया 90 डिग्री। इसी तरह लाल का ज्ञात करोगे तो 6 बटा में 36 गुणा 360, भाग दिया 10 और 60 डिग्री। फिर पीले का रह गया तो उसका आ जाएगा 30 डिग्री कौन आगे। कौन आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद देखो एक कौन तो है 180 डिग्री, 180 किसका है, नीले का, तो ये वाला कौन आ गया 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको कितने कौन रह गए, एक रह गया 90 डिग्री का, आइडिया से बनाना है। तो ये 90 का, ये किसका है, हरा, इसमें लिख दो नीला, और फिर रह गए 60 और 30, एक 60 का एक 30 कैसे बन जाएगा, लाल और पीला। यहाँ पे कौन लिख के इस प्रकार आपको सर्कल बनाना है, लाल और पीला लिख दोगे। ये तो आपको सीधा दिया था, पाई चार्ट बनाना हो तो क्या करते हैं, पहले सभी का योग करते हैं, फिर जिस संख्या का ज्ञात करना है उसका बटा में योग गुणा में 360। गुणा में 360 कब लिखते हैं, जब अपने को कोण ज्ञात करना हो, लेकिन जब अपने को कोण दिया हो तब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अपने हल करते हैं इसका। देखो क्या दिया है आपको, क्या दिया है इसका क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, और उसमें अलग अलग विषय और कोण दे रखे हैं, कुछ कोण और विषय दे रखे हैं, जैसे 90 डिग्री, और इधर दे रखा है 65 डिग्री, इधर दे रखा है 55 डिग्री, और इधर 70 और 80, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ये है साइंस, ये है हिंदी, ये है इंग्लिश, और 65 डिग्री है सामाजिक SST, और ये है मैथ 90 डिग्री, और रह गया मैथ, सारे हो गए। अब देखो जब आपको कोण दिए हों, जब आपको कोण दिए हों और टोटल कुल अंक दिए रखे हैं, कुल अंक दे रखे हैं, क्या आपने दे रखे हैं 540, तब सभी के अंक निकालने हों, जैसे हिंदी के अंक निकालने हैं, हिंदी के अंक निकालने, अपने को कुल अंक दिए हैं, हिंदी का कोण कितना है 70, जब कोण दिए हों तो 360 को कहाँ लगाना है नीचे, और जब कोण ज्ञात करना हो तब 360 को कहाँ लगाना है गुणा में। गुणा में कब निकालना है, जब याद करना हो, और जब अपने को कोण दिए हों तब 360 को कहाँ लगाना है नीचे, 360 को कहाँ लगाना है नीचे। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको कैसे भी काट लो आप, 12, 9 चौके 36, 9 चिके 56, 60, 60 में इसका भाग दोगे तो 15 को 7 से गुणा करोगे तो इसका मान कितना आ गया 105। इसी तरह मैथ का ज्ञात करोगे तो 540 गुणा 70 बटा में 90, 0 0 कट गई, 9 चिके 54, 6 7 42, कितना आ गया 420। इसी तरह आप साइंस का ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा 540 गुणा 70 बटा में 80। आपको किसका ज्ञात करना है, SST का ज्ञात करना है, तो SST का कोण कितना है 65 है, तो 540 गुणा 65 बटा में हमेशा 360 रहेगा, सॉरी बटा में हमेशा 360 रहेगा, तो 90 तो यहाँ आएगा, 360 कहाँ आएगा नीचे। 0 से 0 कट गई, 9 चौके 36, 9 छिके 54, 4 से 6 में भाग दे दो, 420 में 4 का भाग दे दो। ठीक है, इस प्रकार गुणा करते जाना है। यहाँ पे भी देखो 80 तो यहाँ आएगा और बटा में आएगा 360,
जीरो से जीरो कट गई, नौ चौके 36, नौ चौके 54 60, चार दूनी 8 कितना आ गया 120 आ गया। उसी तरह जीरो से जीरो कट गई, नौ चौके 36, नौ छिके 54, छः से गुणा कर दो 6 पंच 30, छिको मेको 36 और 3 39, फिर 4 से भाग दे दो। तो इस प्रकार हल करने हैं कि जब आपको कोण ज्ञात करना है तो बस याद रखना है कि 360 को क्या लगाना है गुणा में, कब जब कोण ज्ञात करना है और जब कोण दिए हैं संख्याएं निकालनी है तो 360 को कहाँ लगाना है नीचे बटा में, तो तब 360 को किस में लगाना है बटा में लगाना है। इस विषय में फिर आपसे पूछा गया कि 105 अंक किसके हैं, तो किस विषय में 105 अंक हिंदी के हैं। फिर उस विद्यार्थी के गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक ज्ञात किए, तो गणित में उसके ज्ञात करें तो गणित में उसके कितने हैं, 90 डिग्री का कोण है तो 540 गुना 90 बटा में 360, जीरो से जीरो कट गई, नौ चौके 36, चार से भाग दोगे तो चार एकम चार, फिर चार तीय 12 और ये आ गया 135। हिंदी में है 105 तो कितने ज्यादा हैं, 20 ज्यादा हैं। आपसे फिर जोड़ घटा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हो, पाई चार्ट इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। इसके बाद देखो 5.3, देखो 5.3 में क्या है, प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रायिकता में वो क्या कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासे को फेंकते हैं तो कितनी स्थितियां आती है, 1 2 3 4 5 6, फिर वो क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कितनी है, 2 3 5 3 है। तो जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं जितनी स्थितियां हैं बटा में कुल, कुल कितनी है 6, 3 बटा में 6 का काटेंगे तो कितना बच गया 1 बटा में 2। इसी में वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभाज्य न हो तो पीछे भी कितनी रहेगी, 3 3 बटा में 6 तो 1 बटा में 2। फिर वो कह रहा है कि 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी की स्थिति कितनी है, अकेली ही है एक ही है, 5 से बड़ी की वो पूछ रहा है तो 5 से बड़ी क्या है, अकेली 6 है एक है, तो टोटल कितनी है 6। प्रायिकता में ऊपर क्या आती है जो संभव हो और नीचे क्या आती है हमेशा टोटल आती है, नीचे हमेशा क्या आती है टोटल आती है। फिर देखो कि एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है तीसरे में कि एक ताश का पत्ते हैं तो ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता, तो ताश के 52 पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते कितना होता है 4 बार होता है, तो एक इक्का आएगा तो इक्का भी 4 बार होता है, तो 4 बटा में 52 इसको काटोगे तो 1 बटा में 13 कितना आ गया, 1 बटा में 13 आ गया। फिर वो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। वो कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करें, 6 कितनी बार आएगी, एक ही बार लिखी हुई है तो एक, टोटल स्थितियां कितनी हैं 10 है, नीचे प्रायिकता में हमेशा टोटल स्थितियां कुल स्थितियां आती है। फिर वो कह रहा है 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 चार है, टोटल स्थितियां तो 10 ही रहेगी, इसको काट देंगे 2 से भाग दे देंगे 2 बटा 5 आ गया। फिर वो कह रहे हैं 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी देखो कितनी है, 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 बटा में 10 काट दोगे 5 से भाग दे दोगे तो 1 बटा में 2। फिर वो कह रहे हैं कि एक अंक की संख्या प्राप्त करना, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, एक अंक की कितनी संख्याएं, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं हैं, टोटल कितनी है 10, मतलब नीचे तो हमेशा सभी के 10 आ रहे हैं ना, पर क्योंकि प्रायिकता के नीचे हमेशा टोटल संख्याएं टोटल स्थितियां आती है कि उस घटना के लिए टोटल स्थितियां कितनी है, तो उसे क्या कहते हैं प्रायिकता, ऊपर क्या आती है संभावित और नीचे क्या आती है टोटल स्थितियां। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी ये क्या हुई, पूरी हुई। और इसमें प्रायिकता के जो एक दो क्वेश्चन है वो क्या करोगे आप समय हल करोगे। धन्यवाद।